इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक सर्कल और चार पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट डी बी। लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट डी बी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पर। हमें यह दिया हुआ है कि एंगल बी ई सी है 130 डिग्री और एंगल ई सी डी, देखिए ई सी डी ये है 20 डिग्री, और हमें एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना है इस कंडीशंस में। हम देखते हैं एंगल बी ई सी 130 डिग्री है, इस एंगल को एंगल डी ई सी को हम एंगल 1 बोल देते हैं, डी ई सी इज इक्वल टू 1, और एंगल ई डी सी या बी डी सी बात एक ही है, इसको हम एंगल 2 बोल देते हैं। यहां पर एंगल बी ए सी जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसे हम एंगल 3 डिनोट करते हैं। हम देखते हैं कि एंगल बी ई सी जो कि 130 है और एंगल डी ई सी एंगल 1, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल बी ई सी 180 डिग्री लीनियर पेयर में है, बी ई सी 130 डिग्री है, 130 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, तो हमें मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमने फाइंड आउट किया एंगल 1 है 50 डिग्री। अब ट्रायंगल बी ई डी को ध्यान से देखिए, सॉरी डी ई सी को ध्यान से देखिए, डी ई सी एंगल ट्रायंगल डी ई सी, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल 2, एंगल 1 और 20। एंगल 1 हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 50, 20 और ये एंगल 2। हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ कैलकुलेट करके हमें मिलता है एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 20 डिग्री इज 180 डिग्री। 20 डिग्री आपको दिया हुआ है, एंगल 1 आपने फाइंड आउट किया है 50 डिग्री है, 50 प्लस 20 70, 70 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे उधर ले जाके तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। इस तरह से आपको मिला एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से एंगल 2 हुआ 110 डिग्री। अब देखते हैं हम कि ये जो एंगल है और एंगल 2 और एंगल 3 दोनों सेम सेगमेंट में हैं, सेम आर्क बीसी पर सबटेंडेड है, सेम सर्कल के, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर एंगल 2 110 डिग्री है तो एंगल 3 भी 110 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 110 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।